दर्शक बंधु आम नित्यदिनिया जीवन रे आलुर भूमिका कौन रही एटा मो अपेक्षा आपण माने बहुत भल भाव जानते आम जेकोसी परिवा बिना कौन सी व्यंजन करूँ आलु बिना आमर कौन सी व्यंजन पूर्ण न होता से राति पाइले सब महिला आवश्यकता होता है आलु तो आपण मैं चाहूंटे आलुर होलसेल व्यवसाय करने को किंबा आलुर गोटे गोदाम करने को ताहले ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु ए वीडियो रे मु आलोचना करी आपण माने केउ उपाय रे आलुर गोटे होलसेल व्यवसाय आरंभ करि परिबे किंबा आलुर गोटे गोदाम करि परिबे एवं आपण को अंचल रे जे कोनसी छोट छोट दुकान को आलु जोगई परिबे। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। टेक एंड बिजनेस चैनल रे मु जेजे महंती आपण को स्वागत करी आरंभ करूची गोटे नुआ बिजनेस आईडिया। दर्शक बंधु आपण मानो जदि मो वीडियो को भल लागितबो किंबा आपण सब दिन ए भलिया बिजनेस आईडिया रे वीडियो देखा चाहती ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को ओके करंतु। एहा सहित मो वीडियो जदि आपन को भल लागुथे ताहले वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करंतु एवं जत्ते मात्रा शेयर करि परिबे। ताहले दर्शक बंधु चैनल आरंभ करबा आज जो नुआ बिजनेस आईडिया होची आलु व्यवसाय बा आलुर होलसेल व्यवसाय आपण माने किपरि करि परिबे। दर्शक बंधु आपण को सर्वप्रथम जानिबा आमे आलुर होलसेलिंग व्यवसायट रोटेसन कौन किमी होता है आपण मैंने साधारण तो आलुर होलसेलिंग व्यवसाय दुईट स्तर करें। प्रथम स्तर हूँ उच्च स्तर हाई लेवल स्तर जे आपण को प्रथम कौन कराया पड़ो जो मैंने आलु गोदाम कराया चाहते बड़ जिला स्तर गोटे भल गोदाम कराया चाहती तो से कौन करना चाषी मान सीजन जो समय आलुर अमल हो चाषी कम मूल्य आलु को किणा पड़ता है टन टन एवं से ही आलु को आपण मैंने शीतल भंडार रखा पड़े आपण जेकोसी जिले रोच्च से ही जिले निश्चित रूप से शीतल भंडार थी कि आपड़ जी जो जिले अच्छा कौन से दूर जगार शीतल भंडार अच्छी तो से जगार आपण आलु को स्टक् कर रखिए से आलुगुड़ी आप जो मैंने शीतल भंडार था आपण आलु रखापी स्पेस दे था से जगार इलेक्ट्रोनिक सिस्टम मध्यम शीतल भंडारटी प्रस्तुत होता है तो सेठी दीर्घ दिन वर्ष वर्ष धरी आलु गुड़िक न पचीस किंबा न गजा हो भल भाव आलु स्टक ही रही थाए एमती बहुत दिन रखला पर जब आलुर सीजन थाए महंगाई बढ़ी जाए नुआ नुआ जब आलु अमल हुए से समय तो बहुत कम पैसा आलु थाए कि एमती परिस्थिति आसे किसी दिन पर आलुर रेट बढ़ी जाए तीस टाँह चालीस टाँह पर्यंत थाए हो जाए से समय जो मैंने बुद्धिमान लोक से ही समय से आलु गुड़ी काढ़ी व्यवसाय करते तो आपण यही उपाय गोटे हाई लेवल निजर गोटे आलु गोदाम करेंगे आपण निजर शीतल भंडार नथिले भी आपण जेकोसी शीतल भंडार निजर स्पेस भड़ा सूत्र नहीं आपण चाषी ठारु आलु आनी से स्टक् कर रखिपारे और जो समय यार व्यवसाय कराया चाहिए आपण करेंटा हूँ प्रथम टिप्स आपड़ जदि एत बड़ हाई लेवल रो आलु गोदाम कराया चाहूँ आपन को जहाँ पांच छह लक्ष टापा इन्वेस्टमेंट कराया पड़ पाए आदि आपड़ चाहूँ छोट स्तर गोटे आलुर होलसेल व्यवसाय स्टार्ट करने तो जो मैंने शीतल भंडार आलु को मजबूत रखी थे स्टक् कर रखी थे आपण से मानू ट्रक ट्रक माल किर गोटे ट्रक मु आलु किणिली एवं मो अंचल मु गोदाम गोटे गोदाम गृह करी मगेली एवं यहपर मो अंचल पर व्यवसायी कारण आलुगुड़ी सब प्राय तो ग्रोसरी सब पर सब एम बहुत गुड़े दुकान में बिक्री होगा देखा मिलता है तो आपण से मानू कंटाक्ट कर आपण को आलु कि होम डेलीवरी से दुकान को डेलीवरी दे पारे कि आपण दुकान को निमंत्रण कर आपण से सेल्स करें मार्केटिंग कर आपण जी आलु किणवे आपण उचित लाभ रखी आपण से विक्रय करेंगे ये स्तर में कले आपण को दुई लक्ष टा पाखापाखि इनभेस्टमेंट कराया पड़ा यहाँ छड़ा आप गोटे आलु रखापी गोटे गोदाम जहाँ भी कोड़े फुट गोटे गोदाम निश्चित रूप से कराया पड़ो जी गाड़ी आपंकर निजर अच्छी तो भल कथा जी निजर गाड़ी गाड़ी ना फोर व्हीलर ना तो आपण भड़ा सूत्र में आप आलुर पर गाड़ी गुड़ी को भड़ा सूत्र में आनी पारे एवं यही बिजनेस आपन को भल लाभ होता है कारण आलु जातीय बिजनेस आपन को एत रिस्क ना पड़े जे आलु निश्चित रूप से विक्रय हो जाए किंतु आपण जब भी आलु व्यवसाय स्टार्ट करुँच आप प्रथम बुलाए ट्रक माल आणिक रखीदे कि सढ़ा ना कारण आपड़ जदि छोट स्तर गोटे होलसेल व्यवसाय करेंगे
ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବ ତ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଆଳୁ ଆଣି। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଲିଭରି କରୁ, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ନିଜେ ଡାଇଁ ଆଳୁ ଗୋଦାମରୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଧିକା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଡେଲିଭରି ଦେବେ ତ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ବହୁତ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସେହିଭଳିଆ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର କିଛି ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ନଥାଏ। ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରଜ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କିନି ଆଳୁର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲି କୌଣସି ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ଆଳୁ ଆଣିକି ନିଜ ଏରିଆରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 20-25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହାର ଉଚ୍ଚାନୀଚା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ କମିଥାଏ, କାରଣ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ରେଟ୍କୁ ନେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟର ଟିପ୍ସଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।